कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ हस्तनापुर के रिठौरा गांव में शुक्रवार की दोपहर एक युवक को उसके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे बच्चों को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। सरेआम हुए इस हत्याकांड के बाद गांव में बवाल हो गया। दोनों पक्षों के आमने सामने आने की खबर पाकर पहुंची पुलिस के वाहनों पर पथराव किया गया। मौके पर नवनियुक्त SSP डॉक्टर विपिन टांडा भी भारी फोर्स लेकर पहुंच गए। इस दौरान मारे गए पक्ष के लोगों को यह भी चिल्लाते हुए सुना गया कि हमारा तो मार दिया, अब उनका भी मारेंगे, चाहे कितनी भी पुलिस फोर्स वहां तैनात कर ली जाए। तनाव को देखते हुए गांव में 3 थानों की पुलिस के साथ ही PSC भी तैनात कर दी गई है। मुख्य हत्याभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए 3 अन्य को हिरासत में ले लिया है। मौके के हालात को फर्स्ट बाइट और TV के कैमरे ने कुछ इस तरह से कैद किया, देखिए। घटना के बारे में नवनियुक्त SSP डॉक्टर विपिन टाडा ने यह जानकारी दी। थाना हस्तिनापुर में आज रठौड़ा खुर्द गांव में एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी। जो घायल था उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। दोनों पक्षों में बच्चों के खेलने को लेकर एक तनाव पूर्व से चल रहा था। जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया, आज सुबह भी दोनों पक्ष के बच्चों में झगड़ा हुआ और अचानक से दोपहर में एक पक्ष के युवक ने दूसरे पक्ष के युवक को गोली मार दी। इसमें हमने जो मुख्य अभियुक्त है उसके साथ अन्य कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। जो शव है उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और जो भी तहरीर आएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही इसमें की जाएगी। साथ ही मौके पर स्वयं मेरे द्वारा व अन्य सभी हमारे अधिकारीगण गए मौके पर और शांति व्यवस्था बहाल की गई है। वहाँ पर अन्य कोई व्यक्ति इसमें घायल नहीं है और जो भी विधिक कार्यवाही है वो तहरीर के आधार पर इसमें आगे की जाएगी। फिलहाल मौके के ऊपर शांति व्यवस्था हेतु हमने पुलिस बल तैनात कर रखा है। इस खबर पर बनी रहेगी हमारी बराबर नजर। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .TV। नमस्कार।